सर अभी आपने देखा कि मुंबई में अभी आग लगी, तो जैसे ही आग लगी तो ये बात उठने लगी कि साहब कुछ स्कैंडल की फाइलें थी ये जल गई। और लेकिन सिर्फ ये मुंबई की बात नहीं सर, जब भी आगे लगती हैं खासतौर सरकारी दफ्तरों में तो कई तरह की बातें उठती हैं, लेकिन जो कॉमन मैन है उसको नहीं पता सर कि सरकार का ये तंत्र चलता कैसे है। सर देखिए ऐसा है कि हर फाइल का तो बैकअप होता नहीं है, कौन सी फाइल ज़रूरी है, कौन सी फाइल डिस्पेंसेबल है, उस पर डिपेंड होता है। तो जो फाइलें ज़रूरी होती है उसके तो नकल होती हैं, उसकी कॉपीज़ होती हैं और वो अलग तरीके से प्रिजर्व की जाती हैं। पहले तो खैर उनके अलग रिकॉर्ड्स होते थे, अब कई जगहों पर माइक्रोफिल्मिंग भी चलती है और यू नो नई टेक्नोलॉजी से प्रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया जाता है। अब जबकि नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, क्या अब तो काफ़ी आसान हो गया इस तरह से रिकॉर्डों का रखना और संरक्षण करना? हाँ आसान तो हो गया है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि पहले आसान हो या मुश्किल हो रिकॉर्ड रखे जाते थे। जो रिकॉर्ड्स मैंने जैसा कहा आपके महत्वपूर्ण जो थे वो बहुत ही उम्दा तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है कि मिसिंग हो। वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों का रिव्यू किया जाता है और ये हर 10-15 साल 20 साल से नया कुछ नया सिस्टम जारी किया जा सका है या पुराने फाइलें जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की क्या वसूल होना चाहिए उस पर तवक्कु की जाती है।